वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के बारे में, जो कि यहाँ पे टाटा ने न्यूली लॉन्च कर दी है, जिसमें टाटा ने क्या कर रखा है, नेक्सॉन में कुछ यहाँ पे कमाल के चेंजेस कर रखे हैं। और ये एक फेसलिफ्ट चेंज है, कोई जनरेशन चेंज नहीं है। लेकिन सारी चीजें देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा, भाई ये तो क्या बोल रहा है, ये तो जनरेशन चेंज है। लेकिन मैं आपको असल में बताता हूँ, ये एक फेसलिफ्ट चेंज है। और टाटा फेसलिफ्ट जो लेकर आ रखा है नेक्सॉन का, ये बड़ा कमाल का फेसलिफ्ट आ रखा है। एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर सारी चीजें यहाँ पे कंपनी ने चेंज कर रखी है। डायमेंशन वगैरह बिल्कुल वैसे ही रख रहे हैं, कुछ फीचर्स आपको सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो नए नए चीजें यहां पर एड ऑन हुई है, भाई आपको मजा आने वाला है। आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर देना, 20 के सब्सक्राइबर का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। शुरू करते हैं वीडियो को। देखो जो टाटा नेक्सॉन का एक्सटीरियर लुक है, ये पर्पल कलर में भाई जो निकल के आ रहा है, ये बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। अगर आप सामने से देखोगे तो यहाँ पर आपको DRL का डिजाइन हल्का सा अलग लगेगा। यहाँ पे फॉगलेम कंपनी ने रिमूव कर दिए हैं, जो सामने का लुक है अभी ज्यादा बोल्ड, ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। और वहीं अगर आपको मैं पीछे से दिखाता हूँ, तो जो इसके यहाँ पे एक्स फैक्टर टेल लैंप है, बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। क्योंकि काफी लोग शिकायत करते थे जो टाटा नेक्सॉन पीछे से इतनी अच्छी नहीं लगती है, आगे से तो बढ़िया लगती है, साइड से भी बढ़िया लगती है, लेकिन पीछे से मजा नहीं आता है। तो इस बार कंपनी ने भाई पीछे से भी कमाल करके दिखा दिया है, जो यहाँ पे कंप्लीट तरीके से एक्स LED टेल लैम्प दे रखे हैं, बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले फ्रंट में हमें क्या क्या ऑफर करा जा रहा है। तो यहाँ पर हमको बाई फंक्शनल फुल LED लैम्प देखने को मिलेंगे। जिन लोग को नहीं पता बाई फंक्शनल क्या होता है, इसमें आपको जो सिंगल प्रोजेक्टर LED लैम्प रहेगा या फिर जो भी आपको मिलेगा, वही आपका यहाँ पे हाई बीम लो बीम का काम करता है। तो बाई फंक्शनल फुल LED लैम्प आपको देखने को मिलेंगे। सिक्वेंशियल आपको LED DRL देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको मैं रूफ में लेके चलता हूँ, तो आपको यहाँ पे ड्यूल टोन रूफ देखने को मिलेगी, जो कि पर्पल कलर के साथ बहुत ही जबरदस्त लग रही है। साइड में लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर आपको 16 इंच अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे एरो इंसर्ट के साथ, जो एक डिजाइन चलता है ना, स्टार वाला डिजाइन, स्टार अलॉय व्हील वाला डिजाइन, सेम आपको डिजाइन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अंदर का डिस्क ब्रेक कैलिपर पूरे तरीके से विजिबल होगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। और अगर मैं आपको पीछे से लेके चलता हूँ, तो पीछे से जो गाड़ी का डिजाइन लग रहा है, वो चुम्बेश्वरी डिजाइन है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो टेल लैम्प में एक्स डिजाइन दे रखा है, वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल लग रहा है यहाँ पे। तो कुल मिला के डिजाइन वाइज की अगर बात करते हैं, तो नेक्सॉन पूरे तरीके से यहाँ पे चेंज हो रही है, और यहाँ पर जो लुक निकल के आ रहे हैं गाड़ी के, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। कलर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने फियरलेस पर्पल कलर लॉन्च करा है, उसके बाद क्रिएटिव ओशन कलर लॉन्च करा है, और उसके बाद प्योर ग्रे कलर लॉन्च करा है, फिर आपको फ्लेम रेड कलर देखने को मिल जाएगा, डेटोना ग्रे कलर देखने को मिल जाएगा, और प्रिस्टीन व्हाइट कलर देखने को मिल जाएगा। और सारे कलर में गाड़ी बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रही है। उसके बाद अगर मैं आपको अंदर लेके चलता हूं, तो यहाँ पर कंपनी ने आपको 2-spoke स्टेयरिंग व्हील दे रखा है, और साथ ही साथ इल्यूमिनेटेड लोगो भी दे रखा है। मतलब जो टाटा का लोगो है, वो ग्लो करेगा भाई इस प्राइस सेगमेंट में। ये जो कैटेगरी आ रही कॉम्पैक्ट SUV की, इसमें इतना ध्यान कौन देता है, यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड लोगो मिल रहा है, मतलब कितना ज्यादा आपको मजा आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो AC के कंट्रोल्स हैं, और जो आपके हजार्ड लाइट के इंडिकेटर्स होते हैं, आपके यहाँ पे फॉग लैंप्स को ऑन ऑफ करने के बटन होते हैं, ये सारे कैपेसिटिव टच पैनल हो गया है। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको इस चीज को चलाने में। और आपका जो अंदर का डैशबोर्ड रहने वाला है, वो 3-tone डैशबोर्ड रहने वाला है, लेदर MID पैड के साथ। तो कुल मिला के आप गाड़ी को बाहर से देखो, आप अंदर से देखो, आपको यार यहाँ पे ये फील आने वाला है कि भाई चीज तो कुछ है यहाँ पे। अगर हम अंदर आई गए, तो कुछ चीजों के बारे में और बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो इन्फोटेनमेंट है, वो भी कंप्लीट तरीके से नया दिया गया है। 26.03 सेंटीमीटर का आपको फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। उसके बाद अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करता हूं, तो ये भी आपको 26.03 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा, और कंप्लीट तरीके से ये भी नया दिया गया है। जैसा आपको पंच और अल्ट्रोस में देखने को मिल रहा था कि आपकी जो सनरूफ है, वो वॉइस असिस्टेड हो गई है, सेम इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगी। 9 स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक सबवूफर आपको देखने को मिलेगा, तो टोटल 10 स्पीकर मिलेंगे, वो भी JBL के साथ। तो आप सोच लो जो म्यूजिक क्वालिटी होने वाली हो, कितनी नेक्स्ट लेवल यहाँ पे होने वाली है। और जैसा आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका जो यहाँ पे पर्पल कलर है, वो तो एक्सटीरियर से है, अगर आप इंटीरियर से देखोगे, तो वहां पर भी आपको पर्पल कलर की लेदराइज सीट देखने को मिलेगी। मतलब कितना कमाल का कॉम्बिनेशन है कि हमें सिर्फ जो कलर है बाहर से देखने को नहीं मिल रहा है, सीट में भी देखने को मिल रहा है, और पर्पल कलर की सीट। भाई क्या चीज बना दी है टाटा ने, मतलब इससे पहले जो आपकी हैरियर थी, सफारी थी, उसमें आपको रेड कलर की सीट देखने को मिली थी, तो लोग कैसे भाई बिल्कुल लैम्बोर्गिनी वाली सीट आ गई है। अब ये पर्पल कलर की सीट के लिए आपके पास कौन सा नाम है, कमेंट करके जरूर से बताओ। अगर मैं इन्फोटेनमेंट की बात करता हूं, तो जो आपकी इन्फोटेनमेंट है, वो नया तो आ गया है, साथ ही साथ आपको जो एंड्रॉइड ऑटो है, एप्पल कार प्ले है, वो आपको वायरलेस देखने को मिल जाता है। एंड आपका जो नेविगेशन रहने वाला है, आप उसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी देख सकते हो। बाकी अगर मैं सेफ्टी की बात करता हूं, तो देखो सेफ्टी तो नेक्स्ट लेवल रहने ही वाली है, क्योंकि जो नेक्सॉन है, वो पहले भी 5 स्टार ग्लोबल
ग्लोबल एनकैप के साथ आती थी और अभी भी वही आएगी क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पे चेंज नहीं कराया गया है। लेकिन अगर मैं फीचर्स की बात करता हूँ तो देखो 6 एयरबैग्स अभी भी आ रहे हैं, उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉलिंग देखने को मिलेगी, 360 डिग्री का कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलता है, मतलब फ्रंट में लाइट के साथ साथ और थोड़ा यहाँ पे बंपर में चेंजेस के साथ साथ आपको पार्किंग सेंसर भी दे दिए गए हैं। उसके बाद आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है जो आपका लेफ्ट साइड वाला ORVM है वहां पर आपको कैमरा देखने को मिलेगा जिससे आपको लेफ्ट साइड का व्यू कंप्लीट तरीके से विजिबल हो जाता है। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा, TPMS आपको देखने को मिलेगा, ऑटो हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको देखने को मिलेंगे और जो इसकी लाइट रहने वाली है वो कॉर्निंग फंक्शन के साथ आने वाली है। तो ये सब चीजें आपको सेफ्टी में देखने को मिलेगी। बाकी अगर बात करते हैं कि जो टॉप एंड वेरिएंट इसका रहने वाला है उसमें आपको क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड लेदराइट सीट देखने को मिलेगी जो कि नेक्सॉन ही लेकर आता है अपने सेगमेंट में और ये चीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। एयर प्योरीफायर आपको देखने को मिलेगा इसी वैन के अंदर ही, 382 लीटर की आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा मैं स्पेशियस कहूंगा, कूल्ड आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा लाइट के साथ। बाकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कमाल होने वाला है क्योंकि 7 स्पीड का आपको DCA विद मोनो स्टेबल शिफ्टर आपको देखने को मिलेगा और जो आपका स्टीयरिंग व्हील है उसमें भी आपको पैडल शिफ्टर्स का कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, तो भाई मजा आने वाला है इस बार। बाकी जो ड्राइव मोड्स नेक्सॉन लेकर आती थी अपने साथ, इको मोड, सिटी मोड, स्पोर्ट मोड, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और यहाँ पर आपको टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिलता है, मतलब जो पहले आपको देखने को मिलता था 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेविट्रॉन पेट्रोल इंजन वो भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको 118 की BHP मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको डीजल भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज रेवटॉर्क डीजल इंजन देखने को मिलेगा जहां पर आपको 113 BHP की पावर मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूं तो 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, पहले भी इतना ही था अभी भी इतना ही है, तो काफी मजा आने वाला है गाड़ी को ड्राइव करने में। और SUV है तो गड्ढे वगैरह के ऊपर से अगर ले आओगे और इतना अच्छा अगर ग्राउंड क्लियरेंस है तो किसी को भी यहां पर दिक्कत नहीं आने वाली है। टॉर्क की बात करता हूं तो देखो ये जो पेट्रोल इंजन है आपका टर्बोचार्ज ये निकालेगा 170 Nm का टॉर्क और जो डीजल इंजन है ये निकालेगा 260 Nm का टॉर्क और जो पेट्रोल इंजन है ये आपका नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ भी आएगा जिसमें आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलेगा और जो आपका टर्बोचार्ज आएगा उसमें आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिलेगा और साथ ही साथ 7 स्पीड का DCA भी देखने को मिलेगा और जो डीजल इंजन है वो आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। डायमेंशन की बात करता हूं जो लंबाई है गाड़ी की वो 3995 mm रखी गई है, जो चौड़ाई है वो 1804 mm रखी गई है और जो हाइट है वो 1620 mm रखी गई है, तो डायमेंशन भी काफी अच्छे रखे गए हैं। व्हील बेस की अगर मैं बात करता हूं तो 2498 mm का व्हील बेस रखा गया है और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है वो 44 लीटर की रहने वाली है। देखो ऐसा कहते हैं ना जब फेसलिफ्ट लेकर आ रहे हो तो सिर्फ गाड़ी में चेंज मत करो, उसके जो मॉडल से नाम है उसमें भी चेंज करो, यहाँ पे कंपनी ने वो भी आपको करके दिया है। जैसा आपको पंच में नेमिंग देखने को मिलती है मिलती जुलती नेमिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, पुरानी वाली नेमिंग बिल्कुल हटा दी गई है, क्रिएटिव मॉडल आपको देखने को मिलेगा, क्रिएटिव प्लस एस मॉडल आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको फियरलेस मॉडल देखने को मिलेगा, फिर आपको फियरलेस एस मॉडल देखने को मिलेगा, फिर आपको फियरलेस प्लस एस मॉडल देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो मैं एस बोल रहा हूँ सब में आपको सनरूफ देखने को मिलेगी, फिर आपको प्योर मॉडल देखने को मिलेगा, प्योर एस देखने को मिलेगा, स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, स्मार्ट प्लस एस। तो यहाँ पर हमने सारी चीजों के बारे में बात कर ली है कि टाटा नेक्सॉन में एक्सटीरियर में हमें क्या चेंज देखने को मिल रहा है, इंटीरियर में क्या चेंज देखने को मिल रहा है, जितनी भी चीजें थी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। रही बात प्राइसिंग की तो प्राइसिंग देखो पहले वाले मॉडल से थोड़ा सा बढ़कर यहाँ पर आएगी और जो भी इसके प्राइसेस रहने वाले हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको अपडेट्स जो है यहाँ पर मिलते रहें। और आपको ये नेक्सॉन कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर से बताना क्योंकि भाई मैं तो ये नेक्सॉन को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। आपको ये नेक्सॉन कैसी लगी मेरे को जरूर से बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द ऐसे एक नई वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।